हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग पर डिस्कस करेंगे और अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग में हम बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और इससे संबंधित कुछ टेक्निकल शब्दों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि भाई आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक, एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपके एक लाइक से हम लोगों का जो है हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे से वीडियो अपलोड कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं बोला हूँ अकाउंटिंग, क्या पढ़ाऊँ, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो हिंदी शब्द होता है लेखाकन। लेखाकन क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि अकाउंटिंग वो होगी जो हम अकाउंटिंग जो काम जो हम कोई भी बिजनेस में अकाउंटिंग का जो हम काम करते हैं उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, वही हमारे अकाउंटिंग होता है। और इसका हिंदी शब्द कहते हैं लेखाकन, यानी कि जो लेखा का काम किया था उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है कि किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय लेन देन या विभिन्न रिकॉर्ड रखने, उसका वर्गीकरण करने, सारांश प्रस्तुत करने, उसका विवरण करने, उनका विश्लेषण, ठीक है, करने की कला को ही अकाउंटिंग कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यापार का व्यवसाय के वित्तीय का मतलब होता है फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल कहने का मतलब समझ रहे हैं, जिस दिन से जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है फाइनेंशियल, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया जाता है जहाँ ख़त्म हो जाता है, उन दोनों बीच जो समय होती है उसी को फाइनेंशियल कहते हैं। वही कह रहा है कि वित्तीय फाइनेंशियल, ठीक है, यानी वित्तीय मतलब उसका इंग्लिश होता है फाइनेंशियल, लेन देन यानी कि होता है लेन देन, कहने का मतलब यह होगा कि जो उसका वे कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, ये का जो विभिन्न रिकॉर्ड होता है, जो डिफरेंस रिकॉर्ड होता है, उसके रखने का जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने का जो सारांश यानी समरी प्रस्तुत करने, उसका विवरण यानी रिपोर्ट करने, उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने की कला को ही अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी व्यापार में जो फाइनेंशियल लेन देन होता है क्लासिफिकेशन करके उसका समरी प्रस्तुत करना, उसका विवरण तैयार करना, ठीक है, इसी सब कला को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। यानी आप अगर आसानी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस का एक लैंग्वेज है जिसमें ये सारी चीज़ें जैसे आ जाती हैं, कि उसका विवरण तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, एनालिसिस करना, ठीक है, ये सारी किसमें आ जाती हैं, ये हमारे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में आ जाती हैं, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अकाउंटिंग आ गया होगा कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय फाइनेंशियल लेन देन या विभिन्न रिकॉर्ड रखने की, उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने, सारांश प्रस्तुत करने यानी कि समरी करने, उसका विवरण यानी रिपोर्ट तैयार करने, उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने की कला को ही अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा कि इस पाठ में उपयोग होने वाले टेक्निकल शब्दों के अर्थ, यानी जो इस पाठ में यानी कि जो हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़े हैं, अब इसमें जो कुछ शब्द टेक्निकल हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, पहले नंबर पर दिया है आपका ट्रेड, यानी कि व्यापार। व्यापार क्या होता है, आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य, ये उद्देश्य है, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय, ठीक है, क्या करता है ट्रेड, ये बीच में रहेगा ट्रेड, ठीक, ट्रेड कहलाता है, यानी कि व्यापार कहलाता है, समझ में आ रहा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कहे कि आपसे कहें कि व्यापार क्या कहलाता है, व्यापार क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो वस्तुओं का क्रय यानी कि जो वस्तुओं का हम परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, वही हमारा क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। अब आ जाइए नीचे,
क्या रहा कि पेशा यानी प्रोफेमस। प्रोफेमस क्या होता है? तो पेशा क्या होता है? तो क्या है कि आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व परीक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा। कह रहा कि आय अर्जित करने के लिए, आय मतलब आप लोग जानते हैं इनकम होता है, उसको अर्जित करने के लिए कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व परीक्षण। पूर्व परीक्षण करने का मतलब यह है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूर्व परीक्षण का मतलब उसको हमें सीखना पड़ता है या फिर उस पर हम लोग प्रैक्टिस करना पड़ता है, उससे जो हमें जो पैसा जो हमें जो अर्जित होती है इनकम होती है उसी को हम पैसा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक एक्टर है यानी कि एक सिंगर है, अगर वो गाना काम होगा गाना गा रहा है तो गाना गाना उसका क्या होगा, गाना गाना उसका पैसा है, और जो पैसा गाना गाना क्या हुआ उसका पैसा हुआ, और जो उसे पैसा जो कमाता है वो उसका क्या हुआ इनकम हुआ। तो वही कह रहा है कि आय अर्जित करने के लिए कोई भी साधन हो या कोई भी काम हो जिसके लिए पूर्व परिचय की आवश्यकता होती है वही हमारी कहलाती है पैसा कहलाती है। ठीक है, अब आ जाइए, अब कह रहा है बिजनेस क्या है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं बिजनेस क्या है भाई, बिजनेस देखिए लिखा है कि ऐसा कोई भी वैधानिक काम, ठीक है, ऐसा कोई भी वैधानिक काम आप या लाभ, ठीक है, आय ये आप नहीं है, यहाँ पे आय है, टाइप करते समय गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी वैधानिक काम आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापार शब्द है जिसके उत्पादन वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय बैंक परिवहन कंपनियां आदि आते हैं। व्यापार व पैसा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब कह रहा है कि जो बिजनेस हमारा होता है ऐसा एक वैधानिक काम है जिसमें आय हो आय या लाभ क्या होते हैं प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। आय का मतलब इनकम प्राप्त, इनकम या लाभ हो उसी को कमाने के लिए, तो उसको लाभ कमाने के लिए या इनकम करने के लिए ही तो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं व्यवसाय यानी बिजनेस कहते हैं। कह रहे हैं व्यवसाय एक व्यापारिक शब्द है, ये व्यापारी ने सॉरी व्यापक शब्द है। व्यापक कहने का मतलब है कि आप व्यापार जो व्यवसाय हमारा जो बिजनेस है उसको एक व्यापक शब्द भी कह सकते हैं कि एक व्यापारी की तरह आप हैं, व्यापार की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है जिसके उत्पादन, ठीक है, वस्तुएं या सेवाओं का क्रय विक्रय बैंक परिवहन कंपनियां आदि आते हैं। जिसके उत्पादन में यानी कि व्यापार जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें क्या क्या आता है, यानी कि वस्तुओं या सेवाओं जैसे कि हम वस्तु खरीदते हैं या सेवा देते हैं या परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं या बैंक में पैसा डालते हैं, पर इस सारी कंपनी स्टार्ट करते हैं, ये सारी परिवहन जो हमारे होते हैं जो साधन है क्या इसके अंतर्गत है, ये सब हमारे बिजनेस के अंतर्गत यानी कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आ जाते हैं। और कह रहा है कि जो व्यापार यानी कि जो हमारा ट्रेड है और वो जो हमारा पैसा यानी प्रोफेस है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी हमारे व्यापार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आया होगा। अब आगे आइए, कह रहा है कि लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्या ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि कह रहा है कि बिजनेस इन गुड और मनी सर्विस या कह रहा है कि आदान प्रदान को ही लेन देन कहते हैं। यानी कि जो हम बिजनेस में पैसा हो या सेवा हो, कह रहा है कि बिजनेस में पैसा हो देखिए मनी गुड्स मनी सर्विस, कह रहा है गुड्स मतलब माल यानी सामान, मनी मतलब पैसा, सर्विस मतलब सेवा। यानी बिजनेस में जो हम माल यानी सामान है पैसा है या सेवा उसका जो हम आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करने का मतलब देते हैं या फिर किसी को माने सर्विस दिए, उस सर्विस निकाल दिए, किसी को पैसा दिए, किसी से पैसा लिए, गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स को सेल्स किए हैं, ये जो ट्रांजेक्शन लेन देन यानी जो आदान प्रदान होता है इसी को हम क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन कहते हैं यानी कि लेन देन कहते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुड्स यानी कि माल, कह रहा है गुड्स मतलब माल यानी सामान क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि गुड्स यहाँ आपको दिख रहा होगा, कह रहा है गुड्स गुड्स उस वस्तु को कहा जाता है जिसका क्रय विक्रय, देखिए यहाँ क्रय और विक्रय करने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये परचेस, क्रय मतलब क्या होता है परचेस, विक्रय मतलब सेल, यानी कि क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है, व्यापार किया जाता है। कह रहा है कि जो गुड्स हमारे होते हैं इससे जो हम जैसे परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, ठीक है, जो वस्तुओं को हम परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं जिसे हम व्यापार स्टार्ट करते हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। जैसे कि क्या होगा, हमारा कपड़ा आएगा, शक्कर आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, कोई अनाज आ जाएगा, ठीक है। कपड़ा में मान लीजिए हमारा पैंट शर्ट हो गया, शक्कर में हमारा मान लीजिए शुगर हो गया, फर्नीचर में हमारा मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे जो हमारे फर्नीचर में आ जाएंगे, अनाज हो गया, ये सब किसमें, ये सब हमारे क्या है, गुड्स है, जिसके हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम अपने गुड्स कहते हैं। और इसको हम गुड्स क्या, जिसको हम क्रय विक्रय यानी कि जिसको हम खरीदते हैं बेचते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। अब आ जाइए क्रय विक्रय क्या होता है, यानी सेल्स क्या होता है, क्या करा सेल्स क्या होता है, करा किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है उससे हम विक्रय कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी व्यापार में कोई माल बेचेंगे तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही बेचेंगे, तो यानी कि आप कोई गुड्स यानी बेच रहे हैं तो अगर उससे लाभ कमा, आप लाभ कमा रहे हैं यानी लाभ कमा रहे हैं यानी उससे इनकम हो रही है, आप लाभ कमा रहे हैं, तो उसी को आप कह सकते कर सकते हैं, उसको आप सेल्स कह सकते हैं, यानी कि ये हमारा विक्रय है, ठीक है। अब आ जाइए आपको यहाँ पे देखिए छूट गया है, ये विक्रय से पहले हमारा एक क्रय होगा, उसको मैं यहाँ पे देखिए शायद टाइप करते हुए समय में छूट गया होगा, मैं आपको बताता हूँ क्रय क्या होता है। देखिए क्रय का मतलब होता है परचेस, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि क्रय यानी कि परचेस, कह रहा है परचेस क्या होता है, तो कहा जाता है यहाँ पर कहेंगे लाभ कमाने से उद्देश्य से, क्या कहेंगे, लाभ कमाने के उद्देश्य से हम जो भी वस्तु यानी माल खरीदते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परचेस कहते हैं। यानी कि कोई हम माल खरीद रहे हैं अगर उसको लाभ कमाने के उद्देश्य से हम खरीद रहे हैं तो उसको हम परचेस कर सकते हैं। और सेल्स क्या कहते हैं, किसी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसको हम परचेस कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग, इसको आप लिख लीजिएगा जो हम बोले हैं अभी, क्या कि लाभ कमाने से कोई भी सामान यानी कि माल लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परचेस कहते हैं। अब आ जाइए आय क्या होता है, यानी कि इनकम, आय मतलब इनकम क्या होता है, कह रहा कि एक व्यक्ति या संगठन की आय या यानी आय मतलब यानी वह धन जो वे कमाते हैं या प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आय। कह रहा है मतलब ये आय क्या होता है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो आय यानी कि धन कमाता है या जो धन कमाता है उसी को हम क्या कहते हैं, धन कमाता है, जो वे कमाते हैं उनको क्या कहते हैं, धन कमाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। आय मतलब होता है इनकम, इनकम वही होता है कि जो हम कमाते हैं उसी को हम इनकम कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जो संगठन किसी व्यापार को स्टार्ट किया और उससे आय कमा रहा है उसी को हम क्या कह देंगे, इनकम। पर नहीं कह, दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कह रहा है इसके अंतर्गत ऐसी सभी क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत ऐसी सभी वित्तियाँ आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं, जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं, जैसे कि व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हो तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वह प्रत्यक्ष कहलाती है। कहने का मतलब यह है इसके अंतर्गत सभी वित्तीय आती हैं, यानी कि फाइनेंशियल जो लेन देन होती है वही आती हैं। कह रहा है कि हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती है, यानी कि जो अभी हम काम करते हैं ये हमारे जो डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट टैक्स है वो हमारे उससे ही प्राप्त होती है। अब कह रहा है कि जो उसके मूल्य प्राप्त हो वो क्या है, जो जब जो बेच रहा है या निशेष कर रहा है, व्यापार में स्थिति यदि आप कुछ बेच रहे हैं और जो उससे हमारा जो प्राप्त होता है, जो हमारा इनकम होता है, लाभ होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष कहलाता है, यानी कि ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट कर होगा, यानी कि हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब जाइए कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, कह रहा है मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी आय होती है वो प्रत्यक्ष आय कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो व्यापार स्टार्ट किए हैं अगर उससे आप जैसे बिजनेस स्टार्ट किए, कपड़ा का दुकान स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कपड़ा का
दुकान, मतलब आप कपड़े के मॉल हो या फिर कोई दुकान है बड़ा सा, उसको आप चला रहे हैं। अब उससे जो हमारा प्राप्त इनकम प्राप्त हो रही है उसको आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए आप कपड़ा की दुकान भी खुले हैं और उसके अलावा भी बाहर ही आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर आप कोई मान लीजिए कोई भी अगर उसके अलावा भी कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और यहाँ से भी प्राप्त हो रही है और वहाँ से भी आपको इनकम प्राप्त होती है, तो इस तरीके जो हमारे जो पैसा प्राप्त है इनकम प्राप्त होते हैं इस तरीके के जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो बाहरी प्राप्त होती है उसको, ये जो हमारे जिसको हम स्टार्ट किए उससे प्राप्त होती है उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। लेकिन जो बाहरी जैसा कहीं बाहर से कमाई आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि व्यय यानी एक्सपेंस क्या होता है। देखिए एक्सपेंस कहने का मतलब ये होता है कि आप जो भी कोई मान लीजिए जो भी आप व्यापार स्टार्ट किए हैं उसमें जो भी आप खर्च करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में आप जो भी खर्च करते हैं उसी को एक्सपेंस कहा जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, पहला क्या प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए प्रत्यक्ष व्यय मतलब हो रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कह रहा है इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी खर्च होते हैं, जो भी खर्च होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदते हुए माल या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो वह उस पर जो धन खर्च होता है वह प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। अब हम आपको एक सिंपल की भाषा में समझा रहे हैं, अगर इस तरह बड़ी समझ में आ रहा तो हम समझा रहे हैं। कह रहा है कि प्रत्यक्ष व्यय यानी कि इन कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कह रहा है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कह रहा है ना कि यहाँ पर मुख्य कार्य से संबंधित यानी कि आप जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं जो आपका मुख्य कार्य है उससे संबंधित जो भी आप खर्च करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस में आप जो भी खर्च कर रहे हैं मतलब उसको मरम्मत कराना, फिर उसमें मान लीजिए कंप्यूटर ला कर रखना या फिर उसमें मान लीजिए सारे बेड लगाना, फिर उसके टाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जितना आप खर्च उसके अंतर्गत करेंगे उससे संबंधित जो खर्च करेंगे आप, तो वह हमारा किस में आ जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें आप जो गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं यानी कि जो खरीदते हैं बेचने का जो काम कर रहे हैं सिर्फ किसके, जो आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसी के अंतर्गत, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। लेकिन करा के अप्रत्यक्ष क्या होता है, करा इनका संबंध वस्तुओं के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु के विक्रय या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में वह कह सकते, यहाँ पे वह नहीं होगा, यहाँ पे होगा कह, ठीक है, सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय से संबंधित होते हैं, ये मुख्य व्यवसाय से संबंधित होते हैं उनको छोड़कर से सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं, ये मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं होते हैं, यहाँ पर होगा नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, देखिए टाइप करते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती है जल्दी जल्दी छूट जाए, टाइप पर भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नहीं होते हैं। ठीक है, अब आइए कह रहा है कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मैं अभी आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो आप मुख्य कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित जो आप खर्च करते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके मुख्य कार्य से संबंधित नहीं होगा उसको छोड़कर आप जितना एक्सपेंस कर रहे हैं यानी कि आपने जो काम कर, जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया उससे संबंधित छोड़ के यानी बाहर में, जैसे कि बाहर में मतलब क्या कहता है, मान लीजिए बाहर में मतलब किसी को पैसा दे दिए हैं आप, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी को मजदूरी दिए या फिर कहीं मतलब कुछ अपने शौक के लिए कुछ मतलब एक्सपेंस किए हैं, ये जैसे वगैरह ये सारी जो चीज़ें आएंगी ये जो एक्सपेंस होती हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को पेमेंट कराना है, ठीक है, किसी को मजदूरी देना है, बिजली बिल देना है, ठीक है, ये जो जितने आते हैं ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे क्योंकि ये हमारे व्यापार से संबंधित ये बाहरी चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाइए यहाँ आप कह रहा है डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट क्या होता है, छूट, डिस्काउंट मतलब आप लोग जानते हैं कि छूट होता है, तो छूट क्या होता है, कह रहा है व्यापारिक द्वारा, व्यापारिक आप कहने का मतलब व्यापारी ये होगा बिजनेसमैन यानी वही ट्रेड, ठीक है, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट यानी कि डिस्काउंट या रियायत का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट दिया था उसी को रियायत भी कहते हैं, को ही छूट कहते हैं। यानी कि व्यापार जो जो व्यापारिक होता है उसके पास जो ग्राहक आते हैं
तो कोई जो गुड्स खरीदते हैं तो उसमें 10 पैसा, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी वो डिस्काउंट छूट देता है, यानी उसको नहीं लेता उससे, मान ली भाई कहने का मतलब ये है कि उसके माने कोई वो उसका जो ग्राहक आया और उससे क्या हुआ 500, यानी कि 500, कहने का मतलब 500 का गुड्स खरीदा और वो क्या किया 500 का गुड्स किया और उसका जो व्यापारिक है वो क्या किया उसको 100 रुपया छूट दे दिया। 100 रुपया छूट दे के कितना में 400, यानी ना 400, यानी कि 400 में उसको गुड्स दे दिया। तो ये क्या हुआ 100 रुपये उसका वही व्यापारिक द्वारा दिया गया छूट हुआ। ठीक है, अब आज इसको समझते हैं आगे से। कह रहा है कि जब कोई हमें किसी से छूट प्राप्त होता है, जब कुछ कोई हमें किसी से छूट प्राप्त होता है, यहाँ पे जब कोई गलत हो गया, जब हमें किसी से छूट प्राप्त होता है, ये नहीं रहेगा इसको काट कर दीजिए, जब हमें किसी से छूट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं परचेस करने जा रहे हैं, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव कब होता है कि आप जब कोई गुड्स खरीदते हैं उस समय हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारा डिस्काउंट रिसीव होता है। मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ परचेस करने गए, ठीक है, तो वहाँ जो आपको डिस्काउंट दी जाएगी, वहाँ पर जिसके पास आप खरीदेंगे वो जो आपको डिस्काउंट देगा वो आपको डिस्काउंट रिसीव के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब कह रहा है कि और जब किसी को छूट दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट अलाउ यानी कि गिवन कहा जाता है। अब डिस्काउंट अलाउ कब, यानी कि आप गुड्स खरीद कर ला के और अपने व्यापार में रखने के बाद अब आप जो उसको सेल कर रहे हैं तो आपके पास जो ग्राहक कस्टमर जो आपके पास सेल कर रहा है आप उसको जो 5%, 10%, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो छूट दे रहे हैं वो डिस्काउंट अलाउ के अंतर्गत आएगी। यानी आपके लिए वो डिस्काउंट अलाउ होगी लेकिन वो जो ग्राहक कस्टमर आपके पास खरीद रहा है उसके लिए क्या होगी डिस्काउंट रिसीव होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ क्या होती है। ठीक है, अब आ जाइए। डिस्काउंट कह रहा है कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। कह रहा कि पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, कहने का मतलब व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्यापारिक छूट होता है। अब देखिए कह रहा है कि व्यापारिक यानी कि व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को क्या कह रहा है, ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम करता है या बिल की राशि में कुछ राशि कम करता है, इस तरह की छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, इसे ही व्यापारिक छूट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई क्या बोलता है कोई गुड्स आप देख कोई आप कुछ बेच रहे हैं पर सेल्स कर रहे हैं और आपके पास कोई कस्टमर खरीदने आया, यानी कि क्या हुआ परचेस करने आया और वो परचेस कर रहा है और परचेस करते समय आप लोग नहीं देखते हैं बहुत से कस्टमर मान लीजिए 1000 रुपये, 2000 रुपये के और मतलब 1000-2000 रुपये के क्या होता है कुछ परचेस करते हैं और परचेस करते हैं वो समय कहते हैं कि हमको कुछ छूट नहीं देंगे आप, तो आप क्या करते हैं आप उसी बिल बनाते जब उसको बिल बनाते हैं तो उसी बिल में बनाते समय आप पूरा पहले डिटेल्स लिख लेंगे। तो मान लीजिए उसका मान लीजिए डिटेल्स लिखते समय आप कह रहा है कि भाई ये माने कई गुड्स खरीद रहा है तो कह लीजिए कि माने शर्ट खरीद रहा है तो आपको शर्ट खरीदते समय वो बोल दिया कि सर मान लीजिए आप शर्ट है या आपको एक एग्जांपल थ्रू मैं समझा रहा हूँ ठीक है सर। अब मान लीजिए शर्ट है अब वो शर्ट कितने का लिया 500 का शर्ट लिया। ठीक है 500 का शर्ट लिया और क्या लिया और मान लीजिए इसी के बाद वो टी शर्ट ले लिया आइए कितने का ये मान लीजिए 650 का। ठीक है अब देख लीजिए समझ लीजिए कह रहा कि शर्ट अभी ट्रेड भी शर्ट सुना रहे कह रहा कि शर्ट ले लिया वो आप आया आपके पास और क्या लिया शर्ट जिसका कितना रेट है 500 फिर से टी शर्ट लिया किसी कितना है 650। अब लेते जब अब उसका बिल बना रहे हैं उसी समय वो क्या कहा कि भाई आप बिल बनाएंगे तो कह देंगे कि भाई 6, 5, 11 और 85 1150 रुपये हुआ आपका 1150-1150 रुपये दे दीजिए। लेकिन कहेगा अरे भाई जितना लिखा है उतना आप जितना बोले हैं उतना ही लेंगे कुछ छूट नहीं देंगे। ठीक है
तो कह देखे क्या छूट लेंगे, कहे भाई शर्ट 500 का है, 500 500 का लिखा है इसमें 500 देंगे, टी शर्ट 650 का 650 देंगे, कुछ कम नहीं करेंगे। तो कह देंगे चलो भाई तुम शर्ट में मुझे चल, तो तुमको शर्ट में मैं 5% का डिस्काउंट दे देता हूँ, और जो हमारा टुमाटो टी शर्ट है इसमें मैं तुमको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। कहते हैं ऐसा ना कि चलो इसमें तुमको इतना का छूट देता हूँ और इतना रुपया छूट देता हूँ, इसमें इतना रुपया कम दे दो और इसमें इतना रुपया कम दे दो, ठीक है। कहते हैं ना इतना तो चलो भाई इतना रुपया कम दे दो, तुम भी खुश हो, कह देते हैं ना। तो कहने का मतलब अब जो हम टैलिंग करते हैं तो वहाँ रुपया नहीं, टैलिंग हमारा परसेंटेज पर रहता है। तो अब हम देखिए अगर हम 5% का 500 पर निकाल दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 रुपया आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ गया 25 रुपया आ जाएगा। 500 पे अगर 5% को आप 500 निकालेंगे तो 25 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। भाई क्या करते हैं हम लोग, यही करते हैं ना, डिस्काउंट निकालने का मतलब यही होता है ना। मान लीजिए 500 है, देखिए हम आपको यहाँ समझा भी देते हैं, 500 है और 500 में हम कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5 लिखेंगे और अपान में क्या लिख देंगे, 100, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज अपने आप में 1/100 होता है, लेकिन 2 जीरो से 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और काटने के बाद क्या है 5 × 5 हो जाएगा 25, हुआ कि नहीं हुआ। कि कहने का मतलब ये है कि शर्ट में जो 500 का खरीदा है 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 5% डिस्काउंट कहने का मतलब क्या हुआ, वो 25 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। अब मान लीजिए वो 25 रुपये का डिस्काउंट दे देगा तो वो जो कस्टमर है उसको कितना उसको पेमेंट कराना पड़ेगा शर्ट के लिए, उसको शर्ट के लिए कितना पेमेंट, 475 रुपये उसको पेमेंट कराना पड़ेगा। अब समझ में आया। अब मान लीजिए शर्ट है, अब इस शर्ट में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, शर्ट में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट करने का मतलब ये है कि 00 होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जब 00 होगा तो मानी 10% का डिस्काउंट जब निकालेंगे हम 650 में, अगर 10% का डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। आपको देख लीजिए यहाँ पर है 650, ठीक है, 650 और इंटू कितना है 10%, अपान में क्या है 100 है। अब ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 1 शून्य से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए हमारा कितना डिस्काउंट मिला, 65 रुपये का डिस्काउंट मिला, कितने का डिस्काउंट मिला, 65 रुपये का डिस्काउंट मिल गया भाई। अब इस 65 रुपये को जब इस 650 में हम सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब आ जाइए कर लीजिए माइनस, 50 कर लेंगे तो इसमें से 15 बच जाएगा, अब तो यहाँ कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब 600 में से 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 585 रुपया, यही होगा ना भाई 585, यही होगा कि नहीं होगा, आप लोग माइनस कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी 500 यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको और सामने लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिख नहीं होगा, छोटा में लिख देता हूँ, पाँच सौ पचास हुआ कि नहीं हुआ, आप माइनस कर लीजिए भाई 10% इसको निकाल के माइनस कर लीजिए। मान लीजिए 65 का डिस्काउंट मिला है, 650 है, यहाँ पर कर लीजिए माइनस, 650 है, 650 में हम लोग कितना 65 का डिस्काउंट दे दीजिए, आ जाइए 10 में से 5 जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, 0 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से इस कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 यानी 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाए तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, आपके यहाँ कितना 4 बचेगा ना, क्योंकि करी लिया है, तो अब यह 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे करी लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, और 14 से 6 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 × 5 = 13 होता है और 8 × 6 = 14 होता है, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे करी ले तो 5 पे जाते बच गया ना 585। यानी कि अगर हम 600 का, अगर 650 का कोई गुड्स ले रहे हैं 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना 65 रुपये का, जो 10% कहने का मतलब कितना का डिस्काउंट दिया, 65 रुपये का डिस्काउंट दिया, 585 का हम लोग क्या किया उसको पेमेंट करा दिया, व्यापार जो हम लोग नहीं जो व्यापारी को हमको क्या किया पेमेंट करा दिया। अब देखिए अब समझ में आपको, मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आप लोग आ गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। यही होता है कि कह रहा है कि व्यापारिक माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम करता है या बिल में की राशि में कुछ राशि कम कर देता है, इसी तरह की छूट को हम बिल में ही कम कर दिया जाता है, इससे ही हम क्या कहते हैं व्यापारिक छूट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, अब आ जाइए। अब दूसरा क्या है, नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कह रहा है कि व्यापारिक वह छूट, व्यापारिक वह छूट है, नगद छूट कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे व्यापारिक यानी कैश डिस्काउंट, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे व्यापारिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा नगद छूट, यहाँ
यहाँ पे टाइप करते समय कैसे टाइप किया है गलत कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा नगद छूट। आप लोग लिख लीजिएगा नगद छूट, करा कि नगद छूट यानी कैश रिटर्न, करा कि नगद छूट वह छूट है जो व्यापारी द्वारा विक्रेता को माल बेचते समय उस माल के बिल बन जाने के बाद दी जाती है, तो उस प्रकार दी जाने वाली छूट को नगद छूट कहा जाता है। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल के तरह कह रहा है कि जो हम व्यापारी यानी कि जो नगद छूट होता है यानी कि कोई व्यापारी जो हमारे पास जो विक्रेता होता है, जो हम जो बेचते हैं, जो विक्रेता का मतलब क्या, जो सेलर होता है वो अपने कस्टमर को जब पूरा गुड्स उसको दे देता है, तो गुड देने के बाद जो बिल बनाता है तो उसमें जो डिस्काउंट देता है सारे गुड्स जितने गुड्स वो खरीद रहा है कस्टमर, उस सारे गुड्स को बिल बना कर और उसके बाद जो डिस्काउंट उसका कुछ परसेंट का को छूट देता है, डिस्काउंट देता है, उसी को हम कैश डिस्काउंट के अंतर्गत रखते हैं। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि जैसे जिन पर कह रहा है कि माना हमने किसी क्रेता को 5 कंप्यूटर यानी कि 2500 रुपये प्रति कंप्यूटर की दर से बेचे, यानी कहने का मतलब ये है कि 5 कंप्यूटर बेचे हैं, एक कंप्यूटर का दाम कितना है 2500, तो 5 कंप्यूटर का दाम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500 कितना हो जाएगा 125, यानी कि कहने का मतलब कितना हो जाएगा 125000, यही होगा ना, कर लीजिएगा आप देख लीजिए। तो कह रहा है कि क्रेता को यह ऑफर दिया जाता है कि यदि वह 30 दिन के अंदर रुपये का भुगतान कर देता है तो उसे 1% नगद छूट दिया जाएगा, और यदि वह 30 दिन के अंदर रुपये का भुगतान करता है तो, कह रहा है कि वो जो व्यापार को 5 कंप्यूटर 2500 रुपये प्रति कंप्यूटर की दर से जब उसको दिया है तो बोला है कि अगर तुम 1 महीने के अंतर्गत हमें पैसा वापस कर देते हो, तो क्या कह रहा है, एक अंतर्गत पैसा अगर दे देते हो तो हमको तुमको 1% का छूट देंगे इसमें, अगर नहीं दिए तो नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 5 कंप्यूटर लिए हैं 2500 रुपये के हिसाब से, यानी कि एक कंप्यूटर का दाम कितना है, एक कंप्यूटर का दाम कितना है 25000 लिखा है कि 2500, यहाँ पे सॉरी देखिए गलती कर दी, यहाँ 2500 रहेगा, रिजीरो कर दो। अब देखिए आ जाइए, अब एक कंप्यूटर देखिए 5 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर का 2500, तो 5 कंप्यूटर का जब 2500 हिसाब से जब करेंगे तो ये गलत है, तो 5 कंप्यूटर 25 हिसाब कितने करेंगे 125 आ जाएगा, आ दो जीरो ये होगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1,25,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब भैया कह रहा है कि इसमें अब क्या कह रहा है कि 1% का डिस्काउंट देंगे, 1% कहने का मतलब ये है कि 1/100 हो जाएगा ना, अब 1/100 में जब वो 1% का डिस्काउंट देगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, अब आया हमारा कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 125 रुपया, अब ये जीरो नहीं होगा, अब 125 रुपये को डिस्काउंट दे रहा है, जब 125 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो 125 रुपये डिस्काउंट देगा तो हम परचेस कितना किए हैं 1,25,000, 1,25,000 सॉरी 1,00,000 नहीं है, ये कितना है 12,500 है, ठीक है, अगर एक का दाम 2500 रुपया है तो 5 का दाम 12,500 होगा, तो 12,500 में अगर हम 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा कितना डिस्काउंट उसको दिया जाएगा, हम उसको 125 रुपये डिस्काउंट दे देंगे, जब 125 रुपये डिस्काउंट दे देंगे तो 12,500 में 125 रुपये अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा भाई माइनस कर लीजिए 10 में से 5 कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या बचा, कितना क्या बचा यहाँ पे 9 बचेगा, अब 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, अरे यहाँ पे क्या बचा 1 में से 1 जाए क्या होगा, यहाँ पे 1 में से 1 जाए क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 ही बच जाएगा, ये नहीं कितने का डिस्काउंट मिल गया उसको, अब 125 में से जब एक क्या था 1250, यानी कि कहा जाता कि 12,500 में अगर हम 125 का डिस्काउंट कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, देख लीजिए कितना बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस प्रकार की जो छूट होती है कैश डिस्काउंट होती है तो जो हम रसीद बनाने के बाद जो छूट देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कैश डिस्काउंट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए, कह रहा है कमीशन क्या होता है, कह रहा है जब किसी व्यक्ति को किसी काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने के सहायता
देने, ठीक है, सहायक होता है, सहायता देने या अल्प कोई काम करने के लिए प्रतिफल स्वरूप कुछ परिश्रमिक मिलता है तो उसे कमीशन कहते हैं। यानी कह रहा है कि कमीशन नहीं कहते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कमीशन करने में तो भैया कि आप कोई किसी से काम कोई लेने जा रहे हैं, किसी काम करा रहे हैं, तो कहीं नहीं कहता कि काम तो हम कर देंगे लेकिन कुछ मुझे कमीशन चाहिए, कहता कि नहीं कहता है। तो वही जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को किसी काम करने जैसे कुछ खरीदने बेचने सहायता देने में या अल्प कोई काम करने में लिए प्रतिफल स्वरूप कुछ परिश्रमिक मिलता है तो उसे हम कमीशन कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई क्या है, मान लीजिए आप व्यापार की हैं और व्यापार में आपका कोई जो सहायक है, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप है और वो आपके साथ काम करा रहा है, काम करते मान लीजिए उसको अच्छे से बीज दिया और अगर आपसे अच्छे से सहायता किया तो आप उसमें खुश होकर उसको कुछ पैसे एडवांस दिए, मतलब चलो भाई तुमको इतना रुपया मुझे मेरी तरफ से खुशी से रख लो, तो उस तरह की जो दिया जाता है वही क्या होता है, वो कमीशन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि आप देखते हैं ना आजकल, देख लीजिए कमीशन हर जगह है, ठीक है। कमीशन का मतलब आप कहीं काम कराने जाइए तो कहे कि भाई हमारे ये काम करा दीजिए, तो ठीक है ये हमारा काम करा दीजिए, कुछ हम आपको रुपया दे देंगे, तो क्या कहता है, कहता कि हमें आप काम तो करा देंगे लेकिन मुझे कुछ क्या चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। तो जो कह रहा कि कुछ चाहिए कुछ पैसा चाहिए वही क्या हुआ उसके लिए, उसके लिए वही कमीशन हुआ। समझ रहे हैं? वो हमारा काम करे कि हमारा सहायता तो कर रहा है लेकिन उसके बदले क्या रहा है, कुछ कमीशन ले रहा है, उसी को हम कमीशन कहते हैं। अब आ जाइए सेवा क्या होता है, सर्विस क्या होता है। कह रहा कि वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक, ठीक है, कह रहा कि वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। हम अपने बिजनेस में हम कोई प्रकार कई प्रकार कह रहा सही कई प्रकार की सेवा का उपयोग या उपभोग करते हैं। कह रहा कि वर्तमान समय में जो मान लीजिए किसी को जो हम कुछ देते हैं यानी कुछ मान लीजिए सर्विस प्रदान करते हैं उसको हम सेवा कहते हैं। अब देख लिए कैसे कैसे, जैसे कह रहा कि जैसे कि हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर बनवाना या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं तो ये उसके द्वारा दी गई क्या हुआ, सेवा हुआ। यानी कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर सप्लायर है जो हमें कंप्यूटर सप्लायर कर रहा है, तो कंप्यूटर तो सप्लायर कर रहा है लेकिन उसके लिए हम मान लीजिए वो सप्लायर करता है हमारे पास कंप्यूटर बेचता है, लेकिन अगर मेरे कंप्यूटर में ख़राब हो गई तो हम कहते हैं कि भाई कंप्यूटर ख़राब हो गई थोड़ा हमने कुछ बना दो या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसको इंस्टॉल करा दो। तो क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं 10 मिनट काम है तो कंप्यूटर आपका बना दिया या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। तो वो जो लेकिन वो काम करता था, वो काम करता था सप्लायर का, कंप्यूटर सप्लाई का काम करता था, लेकिन वो उसने क्या किया कुछ टाइम देकर आपका कंप्यूटर बना दिया, सप्लायर इंस्टॉल कर दिया। तो वो जो कंप्यूटर बनाना और इंस्टॉल कराना उसके द्वारा क्या हुआ, यही सेवा हुआ, उसके द्वारा सेवा यानी सर्विस प्रदान किया गया है, ठीक है। अब आ जाइए ग्राहक क्या होता है यानी कस्टमर क्या होता है। करके हम जिसे माल बेचते हैं वह हमारा ग्राहक कहलाता है। यानी कि हम मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके पास जो आएगा आपसे परचेस करेगा, आप उसको गुड्स बेचेंगे तो आपके लिए क्या हुआ, वो कस्टमर हुआ, वो आपके लिए ग्राहक हो गया। अब कह रहा है विक्रेता यानी कि सप्लायर क्या होता है। कह रहा है कि हम जिससे माल खरीदते हैं उसे विक्रेता यानी कि उसको सप्लायर कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यानी कि हम जिससे जो हमको ला का माल देता है, हम बिजनेस स्टार्ट किया है जो हमको ला हमको नहीं कहते, बहुत सारे जो बिजनेस आते हैं माल हम मानी बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो जो हमको माल सप्लाई कर रहा है, जो हमको माल दे रहा है हमारे मतलब बिजनेस में दे रहा है बेचने के लिए, वो हमारे लिए क्या हुआ, वो सप्लायर हुआ। उसके लिए हम कस्टमर हुए, वो हमारे लिए क्या हुआ, सप्लायर हुआ। समझ में आ गया ना? अब आ जाइए, अब कह रहा है कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होती है, ठीक है, चलिए देखते हैं बिजनेस क्या होती है। कह रहा है कि बिजनेस इज अ रिलेशनशिप ऑफ टू एंड मोर बिजनेस मैन विच एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स सर्विस एंड लॉस पर्पज इज नो एज बिजनेस। कह रहा है कि जो बिजनेस होता है दो बिजनेस यानी कि दो बिजनेसमैन मतलब दो व्यापारिक जो दो व्यापारिक होते हैं उनका रिलेशन होता है जिसमें वो क्या कहते हैं गुड्स यानी माल सामान सर्विस सेवा कम और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट यानी लाभ और हानि कमाने के उद्देश्य से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो गुड्स सर्विस है उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने मतलब क्या कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं उसी को हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बिजनेस में जो हम टैली में जो बिजनेस करते हैं हम बाउचर बनाते हैं उसमें बिल इनवाइस करते हैं और उसको हम रिसीप्ट नोट बना देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कह रहा है कि बाउचर क्या होता है। कह रहा है बाउचर इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज इट रिकॉर्ड अ अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विस इन द बुक्स इज नो एज बाउचर।
कह रहा है कि जो बाउचर होता है ये हमारा कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है किसका, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के, जिसमें हम सारे रिकॉर्ड, बिजनेस में जो रिकॉर्ड होता है, जो लेन देन होता है, कितना गुड्स आया, कितना गुड्स गया, कितने को हम कितना पैसा दिए, किसी कितना पैसा दिए, ये सारी जो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में हम रखते हैं, ठीक है, अपने अमाउंट या गुड्स का या सर्विस का जो भी है, यानी कि कितना पैसा किसको अमाउंट में कितना पैसा दिए, कितना सामान आया, कितना सामान गया, किसको कितना सेवा दिए हैं, को हमको कितना सेवा प्रदान हुआ है, ये सारी जिसके अंतर्गत, ये सारी ट्रांजेक्शन जिसके अंतर्गत हम जिस बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड करके रखते हैं उसी को हम बाउचर या उसी को कमर्शियल डॉक्यूमेंट या बाउचर के अंतर्गत करते हैं, उसी को कमर्शियल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं बिजनेस का, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाइए, कह रहा है कि व्हाट इज परचेस, परचेस क्या होता है, यानी कि परचेस बाउचर, परचेस नहीं परचेस बाउचर, पहले मैंने आपको परचेस बता दिया कि व्हाट इज परचेस क्या होता है, यानी कि जो भी हम लाभ कमाने के उद्देश्य से जो खरीदते हैं उसको हम परचेस कहते हैं, लेकिन वो तो परचेस था, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज परचेस बाउचर, यानी कि टैलिंग जो परचेस बाउचर होता है वो क्या होता है। अब आ जाइए, कह रहा है कि परचेस बाउचर इज ए मैन प्रॉफिट बट गुड्स सर्विस इज नो एज परचेस बाउचर, कह रहा है कि परचेस बाउचर जो हमारे लाभ कमाने के वो मुख्य क्या है, गुड्स या सर्विस से लाभ कमाने के मुख्य साधन है जिसको हम क्या कहते हैं, परचेस बाउचर कह सकते हैं, परचेस बाउचर के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए, कह रहे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाउचर, परचेस बाउचर, कह रहा है कि जो परचेस हमारा बाउचर है दो प्रकार का होता है, पहला क्या होता है कैश परचेस मतलब नगद खरीदारी, जब हम नगद खरीदारी करते हैं तो उसमें क्या कहता है नो सो द पार्टी नेम, आप मान लीजिए परचेस खरीदते हैं यानी किसी के पास आप नगद खरीद रहे हैं, कोई सामान क्या कर रहे हैं नगद खरीद रहे हैं, अब नगद आप सामान परचेस कर रहे हैं तो आप दुकानदार पर देखिए, आप अगर क्रेडिट परचेस यानी सो द पार्टी ने, अब दोनों को समझाते हैं एक ही साथ में लेकर, नगद करने का मतलब आप उसके पास अगर नगद खरीदेंगे तो वो आपका नाम नहीं देखेगा, आप देखते हैं कि अगर आप किसी दुकान पर जाएँ क्रेडिट परचेस यानी उधार खरीदें माल, ठीक है, तो आप जब उधार माल खरीदते हैं तो वो पैसा मांगेगा तो कहेंगे पैसा नहीं है नाम लिख लो, तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आपका आपका नाम यानी कि वो पार्टी का नेम क्या करा रहा है, शो करा रहा है अपने बुक में, अपने जो बुक उसका जो क्या है यही है ना कमर्शियल डॉक्यूमेंट, इसमें क्या करा रहा है वो शो करा रहा है आपका नाम कि जो आप हैं जिन फला नाम से मतलब इतना रुपया कम गुड्स गया है उनसे इतना रुपया हमें क्या करना है रिसीव करना है, लेकिन अगर वही आप कैश दे दें यानी कि आप गुड्स जब खरीदें उसी को तुरंत पैसा आप पेमेंट करा दिए तो क्या आपका नाम लिखेगा, नहीं लिखेगा भाई, जब आपको तुरंत पैसा पेमेंट करा दें तो आपका नाम कैसे लिखेगा, नहीं लिखेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट में परचेस करेंगे नहीं उधार खरीदेंगे तो आपका नाम क्या करेगा वहाँ पे शो करेगा लिखेगा, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा कि बाउचर क्या होता है, यहाँ पे सेल्स बाउचर, वो परचेस बाउचर होता है, यहाँ पे सेल्स बाउचर हो जाएगा, कैसे टाइप किए हैं हमने इसमें, यहाँ पर आपका सेल्स बाउचर होगा, मैं ले लेता हूँ, टाइप करते समय छूट गया है मुझसे, ठीक है, आगे से गलती नहीं हुई। कह रहा कि सेल्स बाउचर क्या कह रहा है कि सेल्स बाउचर क्या होती है, देखिए कह रहा कि और सेल्स बाउचर इज अ फॉर्म ऑफ रिसिप्ट और डॉक्यूमेंटेशन कमोनली गिवन टू बाय और सर्विस गुड्स, यानी कि कह रहा है कि जो सेल्स बाउचर होता है तो जो हम गुड्स या सर्विस खरीदते हैं उससे जो हमारा रिसिप्ट यानी कि जो हमारा रिसिप्ट जो हमारा जो हमको बिल रिसिप्ट होता है बिल रिसीव कराते हैं बिल बनाते हैं रिसीव कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं सेल्स के अंतर्गत रखते हैं। अब कह रहा है कि कैश सेल ये भी दो प्रकार का होता है, पहला कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, कैश सेल खरीदेंगे तो यहाँ मानिए किसी को हम कैश बेच रहे हैं यानी कि तुरंत हमें पैसा दे रहा, क्या उसका हम नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई, जब हमको पैसा दे देगा तो उस पार्टी का हम नाम क्यों लिखेंगे, लेकिन अगर उधार खरीदेगा तो हम उसका शो द पार्टी ने यानी उसका नाम से शो कराएंगे, तो समझ में आया ना कि अगर कोई हमारे पास माल अगर उधार हम खरीदने आ रहा है यानी कि अगर कोई हमारे उधार माल खरीद रहा है हम खरीद रहे हैं किसी से तो हमारा पार्टी नेम शो करेगा, अगर ठीक है पार्टी नेम नहीं शो करेगा तो कब, जब हम उधार खरीदेंगे तब पार्टी नेम शो करेगा, लेकिन अगर हम नगद खरीदेंगे तो पार्टी नेम नहीं शो करेगा, अगर उसी तरफ से अगर हम किसी उधार अगर किसी को उधार हम सेल्स करेंगे तो पार्टी नेम शो कराएंगे, लेकिन अगर हम वही कैश में या नगद अगर बेचेंगे तो पार्टी नेम शो नहीं करेंगे। अब आ जाइए नीचे, कह रहा है सेकेंडरी बाउचर क्या होता है, देखिए सेकेंडरी बाउचर इज अ हेल्पिंग हैंड्स बाउचर ऑफ बिजनेस दैट नो एज रिटर्निंग, ठीक है, ऑफ गुड्स,
यानी कि हेल्पिंग वाउचर भी हमारा एक वाउचर होता है, जो क्या होता है, कोई गुड्स हम खरीदे हैं और उसको हम रिटर्न करना आता है, तो ये हमारे एक प्रकार का हैंड वाउचर होता है, तो हमको हेल्प करता है रिटर्न करने का, हेल्प करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाउचर करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हम गुड्स खरीदे हैं, तो हमें परचेस रिटर्न करना है, रिजेक्शन आउट करना है। परचेस रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, आप कुछ खरीदे हैं, अब कुछ उसमें से खराबी हो गई, तो उसे आपको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो वो परचेस रिटर्न हो जाएगा। अब रिजेक्शन आ क्या हुआ, ये मान लीजिए कुछ चीज़ों को आप ऑर्डर दिए हैं, और ऑर्डर देने के बाद क्या हुआ, उसमें से कुछ गुड्स खराब हो गई, तो आप उसको वापस कर रहे हैं, तो उसको उस तरीके क्या कहेंगे, उसको रिजेक्शन आउट कहेंगे। ये क्रेडिट नोट क्या हुआ, क्रेडिट नोट करने का मतलब आप ये भी इसी प्रकार का वापस करना होता है कि आप किसी को डेबिट नोट बनाए हैं, यानी कि आप किसी से कोई खरीद के डेबिट नोट के अंतर्गत खरीद रहे हैं और वो कुछ खराब हो गई या किसी वजह से उसको वापस करें, तो क्रेडिट नोट के अंतर्गत वापस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार का सेल्स रिटर्न, जो आपसे खरीदा है वो आपके पास जो खरीद के ले गया, कुछ खराबी हो गई, आपके पास वापस देने आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। यानी आपके पास ऑर्डर दिया है, आप उसको कुछ दिए हैं और उसके पास खराब उस माल में कुछ खराबी हो गई, तो मान लीजिए कुछ सामान ले लिया, कुछ सामान खराब हो गया, तो आपको वापस दे रहा है, तो रिजेक्शन इन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, कह रहा कि व्हाट इज कैपिटल क्या होता है। कह रहा कि देखिए कैपिटल यानी कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। क्या होता है, पूंजी। पूंजी क्या होता है, कह रहा कि कैपिटल इज एनी अदर एसेस्ट गुड्स कैश सर्विस इन्वेस्ट बाई ऑनर फॉर बिजनेस। ये यहाँ पर FOR रहेगा, वो नहीं रहेगा, फॉर बिजनेस इज नो एज कैपिटल। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा पूंजी क्या होता है, कह रहा है कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो अपने सर्विस में, अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, गुड्स के लिए, कैश के सर्विस ले, सेवा के लिए, जो संपत्ति में जो इन्वेस्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। कह रहा है कि ये दो प्रकार का होता है, कह रहा है कि कैपिटल इनकम मोर और कैपिटल डिक्रीज मोर, इंक्रीज। यहाँ पे फिर वो गलती करी, यहाँ पे इंक्रीज होगा, सॉरी ये इंक्रीज होगा, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज मोर, कैपिटल डिक्रीज मोर। कह रहा है कि इंक्रीज मतलब क्या होता है, अगर हमारे बिजनेस जो हमारा बिजनेस का ओनर है, अगर उसके कैपिटल में इंक्रीज हुआ, तो यानी प्रॉफिट हुआ, तो क्या होगा, वो कैपिटल इंक्रीज के अंतर्गत आएगी। अगर लॉस हुआ, यानी गुड्स जो मानी गुड्स खरीदा उसमें अगर जो इन्वेस्ट किया, अगर उससे प्रॉफिट हुआ तो ये कैपिटल इंक्रीज हो गई, अगर वो गुड्स जो खरीदा उसमें अगर लॉस हो गई तो क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया ना, अब आ जाइए, कह रहा कि व्हाट इज एसेट यानी संपत्ति क्या होती है। तो कह रहा इट इज अ मैन रिसोर्स ऑफ बिजनेस, इट कंट्रोल द बिजनेस इज नो एज एसेट। यानी कि कह रहा है कि यह एक प्रकार का साधन होता है, यह बिजनेस का एक प्रकार का साधन है, जो बिजनेस का हमारे कंट्रोल का क्या होता है, कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करके रखता है, यानी कि सहायता करता है, कंट्रोल करता है, वो हमारा संपत्ति होता है। ठीक है, संपत्ति मतलब, संपत्ति में आप जानते हैं फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब हमारे संपत्ति में आएंगे, जो हमारे बिजनेस में जो कंट्रोल करता है उसी को रिसोर्स करने का एक साधन, कंट्रोल करने का साधन जो होता है उसी को हम एसेस्ट करते हैं। अब देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, पहला आपका करेंट एसेट यानी कि निजी संपत्ति, और फिक्स्ड एसेट यानी कि स्थायी संपत्ति। अब एक एक समझ लेते हैं, करंट एसेट क्या होता है, कह रहे कि देयर आर दोज एसेट कन्वर्ट इन टू कैश टू द शॉर्ट टाइम इज नो एज करंट एसेट। कह रहे कि यानी कि कोई संपत्ति है जो कुछ ही क्षणों में, कुछ समय में क्या हो रहा है, हमारे कैश यानी नगद पैसे में, यानी नगद में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो हमारा क्या होगा, करंट एसेट हो रहा है। करंट एसेट करने का मतलब उस क्षण में, तो करने का मतलब 12 महीने के अंदर, अगर मान लीजिए कोई हम क्या है, संपत्ति है, किसी को हम दिए हैं या फिर किसी को प्रदान किए हैं, और वो हमारे 12 महीने के अंदर ही हमारे क्या हो रहा है, कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे, करंट एसेट करेंगे। लेकिन फिक्स्ड एसेट किसको कहते हैं, कह रहा है कि देयर आर दोज एसेट कन्वर्ट इन टू द कैश आफ्टर 12th मंथ फॉर लॉन्ग टाइम इज नो एज एसेट। ठीक है, कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट वो एसेट यानी वो संपत्ति होता है जो कुछ 12 महीने यानी कुछ समय लेता है, कुछ लंबे समय के बाद कैश में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट कहते हैं। कह रहा है कि फिक्स्ड एसेट ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है ट्राइंगल एसेट, जो क्या है ट्राइंगल, गलत हो गया, सॉरी कह रहा है ट्राइंगिबल एसेस्ट, यहाँ पर इंटेजिबल, इंट्रेंगिबल एसेस्ट, यहाँ पर गलत कर दिया लगा, ट्राइंगल एसेस्ट और इंट्रेंगल एसेस्ट। देखिए ये क्या होता है, कह रहा है कि जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम ट्राइंगिबल एसेस्ट कहते हैं। कह रहा है कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, कैश हो गया, ऑफिस सब
ऑफिस सप्लीज सप्लाईज हो गया, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हो गया, ये सब जिसको हम दे सकते हैं वो क्या होंगे हमारे, ये ट्राइंगल असिस्ट होंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा, गलत हो गया, एक ट्राइंगल असिस्ट होंगे। अजी नाम देख नहीं सकते वो क्या इन ट्राइंगल असिस्ट होंगे। देखिए पेंटेंस हो गया, ब्रांड्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रैक मार्क्स हो गया, रिट्रेड एसेट हो गया, स्पेशल राइट हो गया, ठीक है। तो ये रही आज हमारे वीडियो और हम जिसमें पढ़े हैं अकाउंटिंग के बारे में और उससे संबंधित जो टेक्निकल शब्द है ये सारी बारे पर तो डिस्कस किए हैं हम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के अकाउंटिंग और उससे संबंधित जो टेक्निकल शब्द है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको रिवीजन कीजिएगा। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम अकाउंट पढ़ेंगे और अकाउंट में देखेंगे कि अकाउंट क्या होती है और उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आएगा, बहुत मज़ा भी आया होगा और आज की वीडियो कुछ लंबा भी हो गई। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद और धन्यवाद।